कुशीनगर के संपूर्ण शिक्षकों ने जिला अधिकारियों को सौंपा अपनी समस्याओं का ज्ञापन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से, जहां पर आपको हम बता दें अटेवा एकजुट संगठन ने शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कुशीनगर को सौंपा एक ज्ञापन और आक्रोश भी दिखाया, वहीं जिसमें पुरानी पेंशन बहाली निजीकरण जैसे 21 सूत्री मांग पत्र को सौंपा है डीएम को, जहां उन्होंने अपनी समस्या बताई। शिक्षकों ने अपनी बातें हंगामा टाइम न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से अजय कुमार जिला संयोजक अटेवा एकजुट ओम प्रकाश शर्मा जिला अध्यक्ष कुशीनगर ने कही है बड़ी बात। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की इस बड़ी खबर पर नजर, उज्जैन अंसारी कुशीनगर ब्यूरो चीफ की एक रिपोर्ट पर। अधिकारी के कार्यालय के कुछ ही दूरी पे मैं खड़ा हूँ। मैं जिस जगह खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये संपूर्ण कुशीनगर के शिक्षक है और इनकी क्या मांगे हैं अभी मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि सरकार ने कितना धरना सभा आंदोलन सही है, शायद ही कोई सरकार सही है। क्या मांगे हैं और किस मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं डीएम साहब लोग, क्यों क्या बोल देंगे? मैं राजीव यादव। आपकी क्या मांगे हैं और क्यों आप धरना दे रहे हैं? देखिए, हम लोगों की मांग बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी मांग है। इस देश में एक दिन के लिए अगर कोई सांसद और विधायक हो जाता है उसको आजीवन पुरानी पेंशन मिलती है, गारंटी पेंशन मिलती है, और 35 साल 40 साल 30 साल तक सरकारी कर्मचारी अधिकारी शिक्षक जो है वो नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके बाजार के हवाले छोड़ दिया गया, उनकी पेंशन समाप्त नहीं देते गई है, तो उसी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग हो रही है। साथ ही साथ वर्तमान में जो है निजीकरण का जो दौर चल रहा है, सरकारी संस्थान और कारखाने सब बेचे जा रहे हैं, तो देश से सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और आने वाला समय उद्योगपतियों के हाथ के हम लोग कठपुतली हो जाएंगे। ये इनडायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही है, भारतीय जो उद्योगपति हैं उनकी कंपनी का स्थापना की साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हम लोगों का एक बहुत बड़ा पदयात्रा हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है यह कार्यक्रम। न कोई किसी नगर में सर ये बताएंगे कि देखिए, 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार ने बंद किया जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को पेंशन व्यवस्था खत्म हो गई। तब तक काल में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, दोनों लोगों की सरकार थी, यहाँ वहाँ सब राजनेता सभी दल एक जैसे इस मुद्दे पर वो सब एकमत हैं। हम अच्छा कर्मचारी अधिकारी जो भी पूरे इस प्रदेश के हैं इस बार मन बना चुके हैं, जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा, निजीकरण रोकने की बात करेगा, जो एजेंडे में लाएगा उसी के साथ इस बार तन मन धन के साथ हम लोग लगेंगे। जय युवा, जय युवा। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए एक दिन के सांसद विधायक पेंशन ले रहे हैं, देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो स्तंभ हैं वो लोग पेंशन ले रहे हैं, इस देश में मिलिट्री को पेंशन दी जा रही है लेकिन उन्हीं के बराबर काम करने वाले पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ दिया गया है, आईएएस अफसरों को छोड़ दिया गया है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है हमारे कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, जो कुछ भी हो, ये सभी लोग देश के संचालन की व्यवस्था में अपना सहयोग देते हैं, देश को चलाने में काम करते हैं, सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इनको सदैव से पेंशन मिल रही है लेकिन 2004 में केंद्र सरकार ने इस पेंशन को बंद कर दिया, जो अन्यायपूर्ण है, जो पूर्ण व्यवस्था एनपीएस को लागू किया जो न तो देश के हित में है और न कर्मचारी के हित में है। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि इस नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को हूबहू बहाल किया जाए, जिससे कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारा देश भी सुरक्षित होगा। टीचर ही रोड पे आ जाए, शिक्षक ही रोड पे आ जाए, उस देश का क्या होगा? आइए हम कुछ लोग से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर ये आंदोलन छेड़े हुए हैं,
नेता विधायक एमपी एमएलए जो भी है एक नई चार चार पेंशन लेते हैं जो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। उसी मुझे लेकर आज हम लोग पद यात्रा निकाले और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पर यह और हमारे कर्मचारी हमारे जिस विभाग के हो सारे विभाग के सारे कर्मचारी आज जैसे भारतीय लोकतंत्र में संविधान के तहत जो भी संभव चीज होगा चाहे गांधी जी की तरह आज हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। आज ही के दिन मतलब इसी तरह 1930 में पदयात्रा निकली थी और नमक के खिलाफ हमने कानून तोड़ा था और 17 साल बाद अंग्रेज मजबूर होकर के हमको आजादी दे कर सही। उसी प्रकार आज ये पदयात्रा के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे पैरों में इतनी ताकत है कि हम दिल्ली तक जाएंगे और उनको झुका करके और अपनी पेंशन को लेकर के आएंगे। मैं चाहता हूँ जबरदस्ती की भलाई का कार्य सरकार बंद कर दे। किसान अगर किसान बिल से खुश नहीं है तो जबरदस्ती क्यों भलाई कर रहा है। अगर पेंशन से न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारी खुश नहीं है तो जबरदस्ती भलाई क्यों कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में पिछले सप्ताह एक खबर छपी थी कि 7 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण एक महिला ने सुसाइड कर लिया। एक नई सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ किया जा रहा है जो पूर्णतः अनुचित और अन्यायपूर्ण है। आज हम एक विश्व के सबसे सशक्त लोकतंत्र में निवास करते हैं। मैं आपके माध्यम से इन सरकारों को बता देना चाहता हूं कि अब इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस एक तरफ किसान, एक तरफ नौजवान, एक तरफ कर्मचारी, जब सभी भिड़ेंगे तो किसके पर राज करेंगे। ये सामंतवादी व्यवस्था है जो अंग्रेजों के समय में चलता आ रहा था। आउटसोर्सिंग देख लीजिए क्या है, एक आदमी ठेकेदार रहेगा, योग्यता का कोई मतलब नहीं है। जाइए आप 8,000 पाइए, 6,000 पाइए, ये क्या है, ये क्या है, पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है जब अयोग्य लोगों को भर्ती किया जाएगा। आप देखिए अभी हमारे बेसिक विभाग में 1,500 रसोईया पाती हैं, उनका तक तनख्वाह टाइम से नहीं दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ भी यही समस्या है। जब चीजों को सरकारी से छीना जाता है, एक आदर्श राज की परिकल्पना में हर व्यक्ति को जो वरिष्ठ है उसको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को ये सरकारें छीन रही हैं। आज हमारे कर्मचारी जाग गए हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार कोरोना के खिलाफ लड़ करके, कोरोना भी एक समस्या, एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसी तरह से ये डिजिटल भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे कर्मचारी जान दे करके जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़े उसी तरह निजीकरण और पेंशन पाने के लिए लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम विजय। मैं मोहम्मद इनामुल हक बस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद जी पेंशन लेते हैं, विधायक जी भी पेंशन लेते हैं, एमएलसी पेंशन लेते हैं, एक एक राजनेता अगर चारों सदनों का नेता रहा है वो जीता है जो या मनोनीत हुआ है तो एक व्यक्ति चार जगह से पेंशन पाता है। और शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस के लिए जागरूक करता है कि एनपीएस बहुत अच्छी चीज़ है ले लो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट, पूरे सांसद और विधायक जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं वो एनपीएस क्यों नहीं ले रहे, वो भी एनपीएस दें, हमको भी एनपीएस दें। और अगर वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो वो हमारा भी पुरानी पेंशन बहाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, दोनों गरीबों की सरकार है और दोनों लोग कह रहे हैं कि दोनों हाथों से हम गरीबों की भलाई कर रहे हैं। आज कर्मचारी चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे किसी भी संवर्ग का, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी हो, सारे लोग एनपीएस के श्रेणी में है। और एनपीएस का मतलब नो पेंशन सिस्टम, कोई पेंशन सिस्टम नहीं है। बाजार के भाव, बाजार के जिम्मे इस व्यवस्था को कर दिया गया। आने वाला वो कल आप बताइए कि जैसे विजय माल्या, जैसे तमाम ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति पेंशन बड़ी बड़ी कंपनियों को इस देश से कर्जा लेके और भाग गए, क्या हमारा पेंशन का जो फंड उन कंपनियों में लगाया जाता है? आने वाले ये सरकार के लोग ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि अगर वो लोग भाग जाएंगे तो हम इस व्यवस्था को अपने पास से देंगे? लेकिन ऐसा कहीं नहीं है भाई साहब। हमारे देश के ये नेता लोग अपने लिए दो दो तीन तीन पेंशन लेते हैं,
हम किसानों के पुत्र हैं, हम किसानों के घर के लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि नेताजी लोग आप 10 पेंशन लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, इन कर्मचारियों को मात्र एक पेंशन वापस कर दीजिए। माननीय अटल बिहारी जी की सरकार 2004 में जो पेंशन जिन्होंने खत्म किया, और आज मोदी जी केंद्र में है, राज्य में योगी जी हैं, आप उस पूरे काम को पुनः वापस कर दीजिए। अब महोदय अगर इसको वापस कर देते हैं, हम आपके साथ हैं, निश्चित तौर पे पुनः आपकी सरकार बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन हम इन कर्मचारियों का जो किसी भी संवर्ग के 60 लाख कर्मचारी हैं, इनका पुराना पेंशन बहाल तो कर दीजिए महोदय। हम यही मांग करते हैं, यही सरकार से कहना चाहते हैं। ये संपूर्ण कुशीनगर के शिक्षा घर यहाँ पे उपस्थित है और डीएम साहब को यह ज्ञापन देकर ये संदेश देंगे कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग यहाँ से लेकर यानी जिले और जनपद जनपद छोड़ यानी कि राजधानी तक हम लोग जाएंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे, भूख हड़ताल पे भी हम बैठ जाएंगे और ज्यादा बेबस करेंगे तो आत्महत्या भी करने के लिए हम बेबस हो जाएंगे। इसलिए सरकार हमारी बातों को माने और हमारा जो पुराना पेंशन था उसको पुनः वापस करें। यदि ऐसा नहीं होता है हम कुछ भी करने पे मजबूर हो जाएंगे। साथ में शिक्षा कड़ी बहुत बड़ी बात यह भी कहा कि निजीकरण की खुल के विरोध करते हुए अपनी बात को रखी। आप सरकार यदि इस शिक्षा कर का बात नहीं सुनेगी तो इसी तरह का धरना होता रहेगा, शांतिपूर्ण धरना करेंगे।